What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel. So currently, as you can see, I am paragliding in the mountain ranges here in the paragliding capital of Delhi. हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ बीर बिलिंग एक छोटा सा गांव है जहां की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। आज एक एडवेंचर डेस्टिनेशन और इंडिया का पैराग्लाइडिंग कैपिटल होने के कारण यहां पे कई सारे लोग आते हैं। यहां पर कई सारे कैफेज भी हैं इन विच दे सर्व सम ऑफ द बेस्ट फूड, अ लॉट ऑफ हॉस्टल्स, यंग वाइब और शांति। बीर एक एडवेंचर डेस्टिनेशन होने के साथ मेडिटेशन की भी जगह है। यहाँ पे कई सारे मॉनेस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे कुछ पल बिता के वाकई में सुकून महसूस होता है। इन माय सोलो ट्रिप जर्नी हियर इन हिमाचल मैं आई हूँ बीर बिलिंग में एंड यहाँ पे मेरा दो दिन का स्टे होने वाला है। इसे कहते हैं पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज यहाँ से एपिक व्यूज आते हैं। इट्स ऑल्सो एलोकेटेड एट अ हाई पॉइंट जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, दिस इज माई फर्स्ट टाइम ओवर हियर। सो इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू गाइज द कम्प्लीट टू डे आइटनरी टू सी बीर। यहाँ पे क्या क्या देखा जा सकता है, यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज है जो आप विजिट कर सकते हो, बहुत सारे कैफेज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड ऑल्सो वेर आई एम स्टेइंग, द बजट, पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल द कम्प्लीट ट्रैवल प्लान, सो दैट हेल्प्स यू प्लान योर नेक्स्ट ट्रिप टू बीर बिलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। चलो हिमाचल के थर्ड एपिसोड में मैं लेके चल रही हूँ बीर बिलिंग में। मैं यहाँ पहुंची 3 दिन मैक्लोडगंज और धर्मशाला में बिताकर। यहाँ से डायरेक्ट बसेस भी है पर मैंने डायरेक्ट कैब किया और 3 घंटे में मैं पहुंची अपने हॉस्टल में बीर बिलिंग में। इन बीर मैंने बुक किया है दिस हॉस्टल प्लस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ वंडरफुल। ये सराउंडेड है पूरे माउंटेन रेंजेस से एंड यहाँ से हमें स्नो कैप माउंटेन्स भी दिखते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ग्रीनरी है, देर आर सो मेनी ग्रास फील्ड्स अराउंड एंड वेर आई एम स्टेइंग इज अ 10 शेयरिंग डॉम। येस, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल इन वन रूम एंड बट इसका अच्छा बात है इट हैज़ अ वेरी नाइस व्यू फ्रॉम द डॉम इट्सेल्फ एंड दिस हैज़ एन अटैच वॉशरूम। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डॉम्स ओवर हियर, वन इज विदाउट द अटैच वॉशरूम एंड वन इज विद। सो आई एम विद द अटैच वॉशरूम। तो यहाँ पे 10 beds है एंड देर आर 2 bathrooms एंड 2 toilet areas। सो यहाँ पे एक डेडिकेटेड एरिया है फॉर द वॉशरूम विच इज़ नाइस। राइट नाउ माई प्लान इज टू गो ईट एट द इन हाउस कैफे, मैं वहाँ पे लंच कर लूँगी एंड उसके बाद चलेंगे पैराग्लाइडिंग के लिए। आई शेयर मोर डिटेल्स अबाउट दिस लेटर इन द वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग। लेटर एट द मोमेंट एंड अभी मेरा प्लान है टू गो पैराग्लाइडिंग। यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं बीर आई थी, मुझे पैराग्लाइडिंग यहाँ पे करना था। हियर आई एम गोइंग टू डू माई फर्स्ट पैराग्लाइडिंग हियर इन बीर, सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो उसके लिए मैंने इस हॉस्टल से ही पैराग्लाइडिंग बुक किया है, दैट हैज़ कॉस्टेड मी 2,500 rupees। अभी आप बाहर से करोगे तो 2,000 rupees होता है बट फ्रॉम वेयर दे टेक ऑफ वो यहाँ से कुछ 14 किलोमीटर की दूरी पे है एंड ये 2,500 में उनका ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है प्लस वीडियो कैमरा भी इंक्लूडेड है विच इज़ नाइस। अभी 4:30 का टाइम हुआ है, 4:30 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 14 किलोमीटर टूवर्ड्स द पॉइंट जहाँ से टेक ऑफ होने वाला है एंड लैंडिंग पॉइंट इज़ जस्ट लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हॉस्टल। सो वहाँ से हम चल के आ सकते हैं। माई प्लान इज़ टू डू पैराग्लाइडिंग एंड वहाँ में लैंडिंग पॉइंट में मैं सनसेट इन्जॉय करूँगी। लेट्स सी हाउ इट गोज। आज थोड़ा सा क्लाउडी और ग्लूमी वेदर है एंड धूप आती है तो बहुत कड़क धूप आती है एंड हवा आती है तो बहुत ठंडी हवा आती है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़, होपफुली वी गेट टू सी सम नाइस साइट्स व्हाइल आई पैराग्लाइड। लेट्स गो ऑन दिस एपिक जर्नी एंड लेट्स गो पैराग्लाइड।
दैट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग राइड दैट आई हैड. घाट के रास्ते से हमने 15 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कवर किया एंड ओ माई गॉड, भैया के पास जो कंट्रोल था गाड़ी का दैट वॉज अमेजिंग. सो इट वॉज लाइक ऐसे ऐसे जा रहे थे, मेरी तो उधर ही फट गई थी. बट नाउ वी आर रीच द लेक ऑफ प्लेस हियर एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल आउट हियर. बहुत ही हाइट पे हम लोकेटेड है और यहाँ पे कई सारे पैराग्लाइडिंग वाले स्पॉट्स यहाँ पे है. सो लेट्स गो. And it was so, so, so fun. Highly recommend doing year it in Bir Billing. अभी सनसेट हो गया है. अनफॉर्चुनेटली सनसेट मुझे देखने नहीं मिला बिकॉज यहाँ पे तुम जो वीडियो निकालते हो पैराग्लाइडिंग का करके वो एक वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं फ़ोन में एंड अपेरेंटली आईफोन में वो इट वॉजन शोइंग. सो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ा एंड लकीली आई फाउंड वन गाय हु वाज स्टेइंग एट द सेम हॉस्टल एंड फिर उसके फ़ोन में ट्रांसफ़र किए. टुक लाइक 40-45 मिनट्स जस्ट टू ट्रांसफ़र ऑल द वीडियोज़ बट दैट इज़ डन. सो उस चक्कर में सनसेट मिस हो गया बट इन नेवरदलेस काफ़ी मज़ा आया. द पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. हाईली रिकमेंड डूइंग हियर इन बिर बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो नाउ माई प्लान इज़ जस्ट टू ईट समवेयर कुछ सो लाइट. अभी बहुत भूख लग रही है, ठंडी भी बहुत बढ़ गई है. कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है. लेट्स सी, देयर आर कपल ऑफ कैफेज हियर इन द लैंडिंग एरिया. दिस इज़ द लैंडिंग एरिया जहाँ पे भी आप खा सकते हो. लेट्स सी कौन सा अच्छा लगता है. आई गो एंड सिट इन वन ऑफ देम. I'm at this place called as Charlie's Cafe and ये landing point के exactly सामने है. So यहाँ से the view of the landing point is amazing. मैंने यहाँ पे order किया है पनीर burger and some hot chocolate because the temperature has lowered currently and ठंडा होना start हो गया है. So hot chocolate sounds like a good idea. So I'm gonna enjoy my meal over here and chill for some time, enjoy the view. Sun तो set हो गया है but then too there is some pretty colors in the sky that you can enjoy from this location. So it's a very cute cafe, small tiny cafe right next to the landing. Ra 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 ra
ईयर इन बीर एंड आज की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है बिकॉज अभी सुबह से मौसम बहुत ख़राब है एंड इट इज़ रेनिंग अ लॉट सिंस द मॉर्निंग. सो मेरा इनिशियल प्लान वॉज टू हायर अ स्कूटी एंड गो टू द मॉनेस्ट्रीज, विजिट द टेम्पल्स एंड ऑल्सो ईट एट सम क्यूट कैफेज, बट दैट वोंट बी पॉसिबल बिकॉज इट्स रेनिंग. सो मैंने प्लान चेंज किया है, मैंने हायर किया है एक कैब विच हैज़ कॉस्टेड मी 1500 rupees, जो मुझे पूरा साइट सीइंग करवाने वाला है ऑफ द एंटायर बिर एरिया. सो सुबह से लेकर शाम तक टिल द सनसेट ये कार रहने वाला है मेरे साथ. फर्स्ट स्टॉप दैट मैंने लिया है इज एट दिस प्लेस कॉल्ड एज पहाड़ी कॉफ़ी, विच इज़ अ वेरी क्यूट एस्थेटिकली प्लीजिंग कॉफ़ी शॉप हियर इन बीर. एंड इसका लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, ये मेरे हॉस्टल से बस ऑलमोस्ट 1 kilometer की डिस्टेंस पे था एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस ओपन व्यूज ऑफ द वैली एंड द होल कॉफ़ी शॉप इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट एंड कोजी. तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, रादर लेट ब्रेकफास्ट. ओके सो फाइनली आई एम ईटिंग माई फर्स्ट मील फॉर द डे. सो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है मेडिटेरेनियन ब्रेकफास्ट एंड इट लुक्स सो यम. इट कम्स विथ हमस, पीटा ब्रेड, सैलेड एंड देयर सम वेजीज, पनीर, लुक्स सो गुड एज वेल. एंड यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, द व्यू इज़ नाइस एंड द होल एस्थेटिक ऑफ दिस कैफे इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. सो आई एम गोना एंजॉय माई मील ओवर हियर एंड आई विल स्पीक टू गाइस लेटर व्हेन वी गो साइट सीइंग. मैं कर रही हूँ बाई विजिटिंग अ शिव मंदिर और आज मंडे है, मुझे शिव मंदिर का विजिट करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो दिस इज श्री बैजनाथ टेम्पल. ये टेम्पल वैसे देखा जाए तो बीर से काफ़ी दूर है, इनसे 10 to 15 kilometers की दूरी पर है एंड पूरा घाट उतर के हमें सिटी के पास आना पड़ता है. एंड ये टेम्पल एक बहुत ही प्राचीन टेम्पल है, इट वॉज बिल्ड इन द 12th century, विच मेक्स इट एन ओल्ड एंड एंशियंट टेम्पल एज वेल. ये पूरा टेम्पल स्टोन से बना हुआ है एंड काफ़ी सुंदर है, बहुत सारे यहाँ पे कार्विंग्स किए गए हैं ऑन द टेम्पल इट सेल्फ, जो आप आके देख सकते हो. और हाँ, शिव जी के भी दर्शन यहाँ से ले सकते हो. जैसे आप देख रहे हो मौसम काफ़ी ख़राब है, आज बारिश हो रहा है एंड सुबह से बारिश रुक नहीं रहा है, तो कैब करने का वॉज अ गुड आइडिया ताकि आई कैन कवर ऑल द स्पॉट्स एंड टू ऑल्सो शो यू गाइज वॉट यू कैन सी हियर इन बिर बिलिंग. मिलते हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हो. सॉरी अबाउट द रेन, आई कैन नॉट हेल्प इट, द रेन इज रूइनिंग इट एवरीथिंग. बट रास्ते में आता है 8 stupas जो आप विजिट कर सकते हो. तो मैंने मेरा गाड़ी यहाँ पे स्टॉप हुआ है जस्ट टू सी द व्यूज एंड इसके बाद हम जाएंगे शेराबिलिंग मॉनेस्ट्री, जो यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी है. मॉनेस्ट्रीज हियर इन बीर बिलिंग, ये है शेराबिलिंग मॉनेस्ट्री जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एंड काफ़ी सुंदर मॉनेस्ट्री है. इसकी अच्छी बात ये कि पूरा अंदर से कवर्ड है, तो अभी बारिश आ रहा है तो अंदर से पूरा कवर्ड है. एंड मैं मॉनेस्ट्री के अंदर जस्ट विजिट करके आई एंड एज यू कैन हियर द मेडिटेशन, मैं उसका एक पार्ट थी, मैं वहाँ पर बैठी थी फॉर लाइक 10-15 minutes एंड द वाइब्रेशंस दैट यू फील दोज मेडिटेशन इज अमेजिंग, बहुत ही अलग है. तो यहाँ पर आके थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना चाहिए, टेक जस्ट सिट एंड लिसन टू द मॉन्क्स मेडिटेटिंग, इट विल रियली मेक यू वेरी फ्रेश. तो ये एक मॉनेस्ट्री मैंने विजिट किया, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके. अभी जाते हैं अगले लोकेशन की ओर. Before visiting the next place, I took a pit stop at Bir's most famous cafe called the Silver Lining. ये एक छोटा सा कैफे है with good menu, amazing dessert selection. मैंने बस यहाँ पे juice पिया along with some fries and enjoyed the calmness by the rain.
some of the very popular ones is where I am currently. This is the Tinjong Monastery. I'm sorry, I cannot pronounce the name properly, but here is the name of the monastery. This is also one of the largest monasteries here that you can come and visit. And I just abhi andar se bahar aayi hu, and it was so peaceful inside. There is a very big Buddha statue, which is gold in color, and it's so peaceful inside. So andar jaake mujhe bahut acha laga. And iske bahar institute bhi hain jahan pe monks rehte hain. They have the study also that is conducted over here. Abhi ye jagah thoda sa city se dur hai. From my state itself, it was like 6 kilometers away. But if you have time, I would recommend you to come and visit here because it is one of the largest one here in Bhind that you can come. मैंने विजिट किया अगला मॉनेस्ट्री टीसरिंग डोजोंग मॉनेस्ट्री विच इज़ अनलाइक एनी अदर मॉनेस्ट्री आई विजिटेड दैट डे. द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉनेस्ट्री इज सो डिफरेंट एंड द होल कॉम्प्लेक्स इज क्लीन एंड वेल थॉट ऑफ. इट वॉज सो क्वाइट इनसाइड विद बेरली एनी पीपल एज आई विजिटेड ड्यूरिंग द क्लोज आवर्स. सो आई मूव्ड ऑन एंड वेंट टू द नेक्स्ट लोकेशन. Finally the rain has stopped and थोड़ा सा धूप निकल आया है. Still it's very gloomy out here, but अच्छा हो गया बारिश रुक गया है so that I can explore places very nicely. अभी मैं हूँ और एक monastery में. This is called as a Choling Monastery and one of the most popular monasteries here to visit in Bhind. And इसका entry itself is very grand. यहाँ पे 8 stupa है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, and ये है monastery का entry. तो चलो अंदर जाते हैं, let's visit it. Deer Park Institute here in Bhind, and as the name suggests, institute, yahan pe you can also come and enroll yourself in some courses of classical Indian wisdom traditions. This institute was established in the year 2006 in March, and ever since then a lot of people come over here to enroll in the courses. And yahan pe aapko meditation, shanti wagera ye sab aapko chahiye rahega. Experience that over here by enrolling in the courses that they have to offer. So you can also check out their website to get more information about this place. But I just wanted to visit this place and see for myself, and I can truly feel the peace and serenity over here. So this was my 2-day itinerary for Bhind Billing here in Himachal Pradesh. I hope you enjoyed this video. Because of the rain, itne zyada views enjoy karne ka mauka nahi mila, because har jagah it was drizzling, it was gloomy, it was dark. But then too, I made the most out of this trip because it 2 hi din tha mujhe, and 2 din mein mujhe sare places ko cover karna tha, and also show you guys as I take you along this beautiful destination here in Himachal. I hope you enjoyed this video, and if you found it helpful, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. इसके पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देखना जो मेरा चलो हिमाचल वाला पूरा सीरीज़ है, इन विच आर सोलो ट्रैवलिंग अक्रॉस हिमाचल प्रदेश. इसके पहले वाला वीडियो विल बी ऑफ डलहौजी, धर्मशाला एंड मैकलोडगंज, तो वो भी देखना. एंड यहाँ से मैं जा रही हूँ मनाली जो होने वाला है अगला वीडियो, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना. सो आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग ओवर हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक डिट, मेक श्योर टू गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर हैवंट ऑलरेडी. दिस इज मी ग्रिश्मा साइनिंग ऑफ. अंटिल आई मीट यू अगेन इन अ न्यू प्लेस इन न्यू स्टेट. बाय बाय.